हेलो एवरीवन, आई एम पूजा पवन। मेरे यूट्यूब चैनल रोजगार गाइड पे पर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आई हूं जो कि NIT यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उत्तराखंड से आउट की गई है। कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी आउट की गई है, नंबर ऑफ वैकेंसी कैटेगरी वाइज क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, कौन से ग्रुप के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, सैलरी क्या मिलने वाली है, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहने वाला है, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में वन बाई वन डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक फ्रेंड्स, इस वैकेंसी से संबंधित लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने NIT उत्तराखंड की वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी, जहां पर आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन में वैकेंसी से संबंधित डिटेल्स मिल जाएंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं 08/2022 एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है। यहां से आप नॉन टीचिंग पोजिशन की वैकेंसी की डिटेल्स को डाउनलोड कर सकते हैं एंड यहां से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो देख लेते हैं क्या डिटेल्स दी गई हैं। वैकेंसी में आगे बढ़ने से पहले एडवर्टाइजमेंट नंबर देख लेते हैं। 08/2022 दिया गया है एंड ये वैकेंसी परमानेंट पोजीशंस के लिए है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं एंड यहां पर ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद कैंडिडेट को द रजिस्ट्रार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उत्तराखंड टेम्पोरी कैंपस गवर्नमेंट ITI श्रीनगर गरवाल डिस्ट्रिक्ट पौरी गरवाल उत्तराखंड 246174 पे इसे आपको हार्ड कॉपी भी सेंड करना है, जो कि 28 सितंबर 2022 से पहले सेंड हो जाना चाहिए। देख लेते हैं क्या पोस्ट दी गई। सुपरिटेंडेंट के लिए 4 पोस्ट है, 35,400 स्टार्टिंग है। यहाँ पर SAS के लिए 1 पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर सिविल में 4 है, इलेक्ट्रिकल में 3 है एंड टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 3 पोस्ट है, 35,400 से यहाँ पर स्टार्टिंग है। स्टोनोग्राफर के लिए 1 है, 25,500 स्टार्टिंग है, जूनियर असिस्टेंट के लिए 3 है, यहाँ पर 21,700 से स्टार्टिंग है, टेक्नीशियन के लिए 2 है, 21,700 यहाँ पर भी है एंड ऑफिस अटेंडेंट के लिए 3 वैकेंसी है, 18,000 से यहाँ पर स्टार्टिंग है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 4 है। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप यहाँ पर दिया गया, आप यहाँ से डिटेल्स देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन देख लेते हैं सुपरिटेंडेंट के लिए। यहाँ पर आप सिंपल ग्रेजुएशन मांगा गया, इसके इक्विवेलेंट डिग्री मांगी गई है, आपके पास मास्टर भी किसी भी डिसिप्लिन में है 50% मार्क्स के साथ में एंड कंप्यूटर नॉलेज मांगा गया है। SAS असिस्टेंट के लिए यहाँ पर BTEC मांगा गया है, SAS असिस्टेंट के लिए यहाँ पर BPED मांगा गया है, साथ ही आपके पास स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड ऑफ पार्टिसिपेशन स्पोर्शन ड्रामा म्यूजिक फिल्म पेंटिंग फोटोग्राफी या जर्नलिज्म इवेंट मैनेजमेंट में होना चाहिए। नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर के लिए सिविल इलेक्ट्रिकल में बी या BTEC सिविल इलेक्ट्रिकल में, या आपके पास डिप्लोमा भी सिविल इलेक्ट्रिकल में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए भी सिंपल यहाँ BTEC या MCA है, या आपके पास डिप्लोमा है इंजीनियरिंग फील्ड में या BSc है आप तो भी अप्लाई कर सकते हैं, MSc है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टोनोग्राफर के लिए 10+2 मांगा गया है, साथ ही टाइपिंग स्पीड मांगी गई है, स्टोनोग्राफिंग स्पीड भी मांगी गई है। जूनियर असिस्टेंट के लिए भी 10+2 के साथ में टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट मांगी गई है, जबकि टेक्नीशियन के लिए 10+2 के साइंस सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए या 10+2 साइंस सब्जेक्ट में कम से कम आपके पास 60% मार्क्स होना चाहिए, साथ ही ITI के साथ में 1 ईयर हायर एजुकेशन का अप्रोप्रिएट ट्रेड में डिग्री मांगी गई है। एंड ऑफिस असिस्टेंट के लिए 10+2 मांगा गया है सिंपल, यानी कि आप 12 क्लास पास आउट है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिस अटेंडेंट के लिए टेक्नीशियन जूनियर असिस्टेंट स्टोनोग्राफर के लिए एक लिमिट 27 ईयर्स दी गई है, इसके अलावा जो भी कोर्स है सबके लिए 30 ईयर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के हिसाब से ही यहाँ पर फॉलो होगा। एप्लीकेशन फीस देख लेते हैं। यहाँ पर 500 की एप्लीकेशन फीस जनरल OBC कैंडिडेट के लिए दी गई है, जबकि 1, 2, 3 में है 500 एंड 5, 4, 5, 6, 7 के लिए 250 आपकी एप्लीकेशन फीस है। SC ST के लिए कोई इस तरह की एप्लीकेशन फीस यहाँ पर नहीं दी गई है एंड अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद 28 सितंबर से पहले आपको NIT के एड्रेस पर अपने फॉर्म को सेंड करना है एंड मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन टेस्टेड एंड पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू यहाँ पर सिलेक्शन आपका होने वाला है। तो अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना है। वीडियो को लाइक करके आप इसे अपना प्यार दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिसको इसकी जरूरत है उसको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।